सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, यहाँ पे अमेजोन प्राइम डे स्टार्ट हो चुका है, यानी 15 जुलाई से 16 जुलाई, ये दो दिन में आपको अमेजोन प्राइम डे दिखेगा। यहाँ पे आपको एंड का भी टाइमिंग दिख जाएगा। तो 16 जुलाई यानी कल रात 12 बजे के बाद ये सेल बंद हो जाएगा। यहाँ पे बताने वाला हूँ इस वीडियो पे कि आपको इसे कौन से स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं। तो मेरे कैटेगरी पे मैंने 5 फोन को चूज किया है, सो डेफिनेटली वो आपके बजट के हिसाब से ही रहेंगे। और यहाँ पे प्राइम डे की बात करते हो तो यहाँ पे दो चीज़ पर आपको ज़्यादा भारी डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। अगर आपके पास ICICI बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है या फिर आपको SBI कार्ड का मेरे आपके पास तो आपको बहुत सारा उस पर आपको डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो में देख लेते हैं कि ऐसे कौन से 5 स्मार्टफोन है जिन्हें आप बाय कर सकते हो इन दो दिनों के अंदर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, मेरे लिस्ट में जो पहले नंबर पे आता हुआ है सैमसंग गैलेक्सी का स्मार्टफोन, जो कि सैमसंग गैलेक्सी M34। यहाँ पे देख सकते हैं कि फोन काफी देखने में अच्छा है, ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पे फोन का जो डिस्प्ले साइज है वो 6.5 इंच का मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पे सबसे बड़ी बैटरी मिल जाएगी जो कि 6000 mAh की है। और इसमें जो प्रोसेसर है इस फोन में काफी इंटरेस्टिंग दिया गया, जिसमें गेमिंग के लिए आपको काफी अच्छा मिलेगा। साथ ही 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे मॉन्स्टर शूट भी इसे नाम दिया गया है, जो कि आपके एक बजट प्राइस में बराबर ये फोन बैठ जाता है। प्राइसिंग की बात करूँ तो जो डील पे प्राइसिंग है वो 80,999 है, जो इसे आप डिस्काउंट में ले भी सकते हो अच्छे खासे डिस्काउंट में। अगर नो कॉस्ट EMI की बात करूँ तो मैं यहाँ पे EMI के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि ढेर सारे कार्ड्स के ऑप्शन मिल जाएंगे। साथ ही में आपको अमेजोन पे एंटर का ऑप्शन मिलता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो बेहतरीन डील में आपको देखने को मिल जाएगी। सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे ये लगा है 2111x9 मंथ का, जो कि नो कॉस्ट EMI पे आता है और इसकी प्राइसिंग आपको उतनी ही पड़ेगी जो कि फोन की प्राइसिंग है। फोन मुझे काफी अच्छा लगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इस डील में दो दिन में आप इस फोन को अगर लेना चाहते हो, सैमसंग के लवर्स हो, तो आप इस फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। दूसरे नंबर की बात करें तो वो है IQ Neo 7 Pro। तो अगर गेमिंग में ज्यादा लवर्स हो गेमिंग के और गेम आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होती है आपके फोन में, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोन की अगर प्राइसिंग की बात करो तो यहाँ पे आपको जो फोन की प्राइसिंग दी जाएगी वो 33,999 रुपये है। और यहाँ पे EMI के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे कार्ड सूट्स लगा के आप 2000 का डिस्काउंट भी पा सकते हो। साथ ही साथ में अगर यहाँ पे EMI की बात करो तो देख सकते हो कि ढेर सारे कार्ड्स है, जैसे कि ICICI, SBI। अगर SBI फिर ICICI कार्ड होगा तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। बाकी में आप यह देख सकते हो कि एक्सिस बैंक का भी दिया गया, सिटी बैंक का भी, कोटक महिंद्रा बैंक का भी है। और अगर आप अमेजोन पे लेटर का इस्तेमाल करते हो तो हम इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे देख सकते हो कि आपको नो कॉस्ट EMI पे पड़ जाता है। तो अगर आप अमेजोन पे लेटर का यूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट नहीं पड़ता है, जीरो ही रहता है। देख सकते हो नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आपके पास कार्ड्स नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करके इस फोन को बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करूँ, यहाँ पे देख सकते हो कि 6.7 इंच का आपको यहाँ पे डिस्प्ले देखने मिल जाएगा, जो कि काफी लार्ज डिस्प्ले है। उसी के साथ में 50 मेगापिक्सल का कैमरा, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करते हो तो यहाँ पे क्वालकॉम का आपको सपोर्ट देखने मिल जाता है, जो कि Snapdragon 8 Plus Gen का आपको सपोर्ट दिया गया है, जो कि आपके इस फोन को काफी ज्यादा एक पावरफुल बना देते हैं। और इस प्राइस रेंज में इस फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। अगर आप इस फोन डील प्राइस में लेना चाहते हो यानी आज या फिर कल में, तो देख सकते हो कि ICICI बैंक का और SBI कार्ड पे आपको 2000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाता है। उसी के साथ में आपको एक्स्ट्रा एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जो कि ये 2000 रुपये का आप देख सकते हो विद एक्सचेंज। अगर आपको कोई फोन चेंज करते हो तो उसमें 2000 और कम पड़ जाएगा, यानी लगभग अगर इस फोन को लेने जाओगे तो यहाँ पे 33,000 है, तो आपको लगभग 30,000 के आसपास में फोन आपको मिल जाना चाहिए। तो इस फोन को भी आप बाय कर सकते हो। सेकंड लिस्ट पे मैं इस फोन को रखा हूँ, क्योंकि काफ़ी महंगा है, बट यू कैन, अगर आपके लिए एक गेमिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है और तो आप इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। मेरे तीसरे लिस्ट में आता है रियलमी का स्मार्टफोन, जो कि रियलमी Narzo 60 Pro 5G। तो ये फोन काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो कि 23,999 रुपये इसकी प्राइस लिखी है। और अगर मैं EMI का ऑप्शन भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ढेर सारे कार्ड्स का ऑप्शन जाएंगे। सेम एज इट इज़ अमेजोन पे लेटर पे आपको एक फायदा होता है कि यहाँ पे आपको इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता, बट इस चीज़ में आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। देख सकते हो यहाँ पे नो कॉस्ट EMI नहीं है, तो आप अगर इंटरेस्ट देना चाहते हो तो इस फोन को बाय कर सकते हो ऐसे अमेजोन पे, जो कि आपका लास्ट जो इंटरेस्ट रेट जाएगा 12 महीने पे वो है 3,299 रुपये, यानी 3,000 आपका मतलब जो फोन है वो 3,000 थोड़ा महंगा पड़ जाएगा। बट अगर आप इसे ऑफर में लेना चाहते हो, जैसे कि आपके पास मैंने आपको बताया था कि ICICI या फिर SBI का कार्ड है, तो ये फोन आपको लगभग 2,000 रुपये डिस्काउंट में यानी 21,000 तक में आपको मिल सकता है। फोन की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे फोन काफी तगड़ा है, क्योंकि कर्व डिस्प्ले दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देख सकते हो यहाँ पे 120Hz का कर्व डिस्प्ले दिया गया है। उसी साथ में आपको 16 मेगापिक्सल का वॉइस कैमरा दिया गया है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। और यहाँ पे आपको एक सबसे बेहतरीन चिपसेट मिलेगा, क्योंकि Dimensity 7050 का सपोर्ट मिला। गेमिंग के लिए फोन काफी ज्यादा तगड़ा है। तो अगर आप रियलमी लवर्स हो तो इस फोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो। यहाँ पे कैमरा का भी जो बैक साइड का लुक दिया गया काफी अच्छा मुझे देखने में लगता है, सो यू कैन बाय इट। तो अगर आप रियलमी के रियल फैन हो तो इस फोन को ले सकते हो। तो तकरीबन अगर आपके पास कार्ड है जैसे मैंने बताया ICICI या SBI कार्ड का, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इसमें देखने को मिल जाएगा। और चौथे नंबर पर आता है Redmi A2। तो अगर ये बेस्ट गिफ्ट होगा अपने फादर्स फिर मदर्स के लिए, अगर आप किसी को अपने घर पर अपने पेरेंट्स को गिफ्ट देना चाहते हो जिनके फोन में ज्यादा कुछ काम रहता नहीं, उन्हें गेम से मतलब होता नहीं है, खाली फोन और थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट, जैसे कि अगर उनको भजन सुनना होता है यूट्यूब का इस्तेमाल करते हो, मोस्ट ऑफ मेरे घर पे तो ऐसा ही है, तो यहाँ पे आप Redmi
अपनी A2 को उनको दिला सकते हो, क्योंकि ये फ़ोन काफ़ी रिलायबल है और इस प्राइस रेंज में फ़ोन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तकरीबन आपको यहाँ पे 6000 रुपये के आसपास ये फ़ोन देखने मिल जाएगा। 6000 रुपये में स्मार्टफोन मिल रहा है वो सबसे बड़ी बात है। EMI भी अगर ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आपको ढेर सारे कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। सेम एज इट इज़ में अमेजन पे लेटर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो इंटरेस्ट रेट पर आपको पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको अमेजन पे लेटर पर ऑफर है तो आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हो, इसमें कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर फोन की बात करूँ, फोन की डिजाइन का भी अच्छी लगी। ऑक्टा कोर प्रोसेसर मीडिया टेक हेलियो G36 का यहाँ पर सपोर्ट मिला, यानी थोड़े बहुत गेमिंग भी अच्छी खासी हो जाएगी और यहाँ पे फोन ज्यादा लैग करेगा नहीं। और साथ में आपको यहाँ पे 6.5 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि वाटर ड्रॉप के साथ में आता है, जो डिस्प्ले की क्वालिटी काफी अच्छी है। मैंने ये फोन को पर्सनली यूज किया है। साथ में आपको यहाँ पे 7GB का रैम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से अगर आप अपने पेरेंट्स को फोन देना चाहते हो तो दे सकते हो। यहाँ पे आपको लंबी बैटरी मिल जाएगी जो कि 5000mAh की बैटरी है। सो ये आपके पेरेंट्स के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फोन है उसका ज़्यादा इसमें ज़्यादा झंझट है नहीं। फोन में बहुत ही रिलायबल फोन है, मैंने इसे लिटरली यूज़ किया है और फोन मुझे डेफिनेटली काफ़ी अच्छा। इस फोन को मैंने चौथे नंबर पर रखा क्योंकि इसकी प्राइसिंग काफ़ी कम थी, तकरीबन 6000 रुपये में आपको ये फोन मिल जाएगा। तो EMI पे लेने से अच्छा कि मैं बोलूँगा कि आप इसे कैश भी ले सकते हो और एक फ़ोन आपके पेरेंट्स के लिए एक सबसे बेस्ट फोन होगा स्मार्टफोन में। सो ये चौथे नंबर पे मैं इसको रखता हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा फोन है। तो अगर आप लेना चाहते हो आज या कल में तो इसे डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इसमें भी आपको ऑफर से अगर आप कार्ड लगा दोगे तो तकरीबन 4000 रुपये के आसपास ही आपको मिल जाएगा। और पाँचवें नंबर पर और सबसे आखिरी फोन आता है जो कि मेरा सबसे फेवरेट है, OnePlus Nord 3 5G का स्मार्टफोन। अगर इसके प्राइसिंग की बात करते हैं तो देख सकते हो 33999 रुपये। EMI का ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो ढेर सारे कार्ड्स का ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे लेटर पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि दो ऑफर दिया गया जो कि नो कॉस्ट EMI पड़ता है, और सबसे बेस्ट मुझे यहाँ पे लग रहा है 5667 रुपए जो कि 6 महीने के लिए EMI होगा और यहाँ पे को फोन पे एक भी रुपए इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी साथ में अगर आपको यहाँ पे अगर आपको EMI ज्यादा लग रहा है तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंटरेस्ट आपके यहाँ पे रेट दी जाएगा जो कि 3215 रुपए का 12 महीने के लिए एक साल के लिए, जिसपे आपका इंटरेस्ट रेट 4580 रुपए जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि ये ले, क्योंकि काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा है आपको। सो आप थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिए क्योंकि 3000 ऐसे EMI देने वाले हैं, तो 2000 आप कहीं से और अरेंज कर सकते हो अगर आप लेना चाहते हो EMI पे। अदरवाइज यहाँ पे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप 2000 इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हो और यहाँ पे इसे आप बाय कर सकते हो। तो तकरीबन ये फोन आपको 31000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाता है। अगर फोन की परफॉर्मेंस की बात करो तो दिखा देता हूँ, यहाँ पे 50MP का सोनी IMX890 का कैमरा सिस्टम देखने को मिलता है जो कि फोटो को आउटस्टैंडिंग करने वाला है। उसी के साथ में आपको 120Hz का स्क्रीन सुपर फ्लूइड डिस्प्ले मिल जाता है जो कि स्क्रीन रिफ्रेश रेट इसका काफी हाई लेवल पे होता है। उसी साथ में मीडिया टेक आपको डायमेंसिटी 9000 का सपोर्ट मिलता है जो कि गेमिंग इसमें फाड़ू होने वाली है। और उसके बाद में फोन का आप साइज देख सकते हो काफ़ी अच्छा है, 6.5 इंच, और यहाँ पे आपको अलर्ट स्लाइडर भी मिलेगा इस फोन के साथ में। और ये फोन डेफिनेटली मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने इसे अपने लिस्ट में ज्वाइन किया हुआ है। इसमें यहाँ पे कलर ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा, मिस्ट्री ग्रीन और यहाँ पे टेम्पेस्ट ग्रे मिल जाता है जो कि ग्रीन कलर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अगर आपके ब्लैक आपको फोन पसंद है सो यू कैन बाय इट दिस कलर। इस फोन को मैंने लिस्ट में रखने के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि OnePlus मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है OnePlus। उसके बाद में आपको 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी इसके साथ में। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ में। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर ऑफ ऑल। जय हिंद।